हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार शर्मा आप सभी का प्रयास ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिएगा भी आज अपने जो रूबरू हुए हैं, आज मैं आपको यहां राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे। आज अपने यहां किसके बारे में बात करनी है भी, राज्य सरकार के बारे में। अब राज्य सरकार का जो उल्लेख है उस संविधान के भाग किसमें है, छह में है। अगर अनुच्छेद की अगर बात की जाती है तो 152 से 237 में, ठीक है। यानी जो राज्य सरकार जिसका उल्लेख भाग छह में है, अनुच्छेद 152 से क्या है, 237 में। तो सबसे पहले देखिए बात करें, ये जो सरकार है जी, किस सरकार के कितने अंग होते हैं, किस सरकार के अपने अंग की अगर बात की जाती है तो सरकार के अपने भी तीन अंग होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर यहां बात की जा रही है तो यहां आ जाएगा इसमें व्यवस्थापिका, उसके बाद देखिएगा बात करें कार्यपालिका, और तीसरा इसमें सरकार का अंग आ जाएगा भी न्यायपालिका। ये लीजिएगा, ये सरकार के तीन अंग होते हैं। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिएगा, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिएगा, कि दोनों में सरकार के अंग तीन ही होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें जो व्यवस्थापिका है जी, इसका कार्य क्या होता है, कानून का निर्माण करना भी, कि कानून का निर्माण करना। अब यहां कानून बना है तो उसके बाद देखिए जो बात करें कार्यपालिका, इसका कार्य क्या होगा, कानून को लागू करना भी, कानून को लागू करना। यानी व्यवस्थापिका का कार्य कानून का निर्माण करना है, तो कार्यपालिका का कानून को लागू करना है। और तीसरा जो है वो शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि न्यायपालिका क्या करना भी, न्याय करना, कानून की समीक्षा करना, ओब्लिक कानून की व्याख्या करना भी। ये लीजिएगा, ये सरकार के तीनों अंग हो गए। तीनों का क्या काम है वो आपके सामने है। अब देखिएगा, समझने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात कर रहा हूं कि भाग छह को आप क्या मानिएगा, एक व्यक्ति मानिए, और ये इस व्यक्ति की क्या है, संपत्ति है। ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बोला, कि समझने के लिए इस भाग छह को आप एक व्यक्ति मानिएगा और ये इस व्यक्ति की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी है, और इस व्यक्ति के ये जो है भी ये तीन संतान है, यानी नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। ये लीजिएगा, ये इस व्यक्ति की क्या है, तीन संतान है। जैसे अब सबसे पहले बात करेंगे, ये जो कार्यपालिका है इसका उल्लेख संविधान के भाग किस में है। अब बोला जी किसका उल्लेख संविधान के भाग किस में है। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, समझने के लिए भाग छह को एक व्यक्ति मानिएगा, ये इस व्यक्ति की क्या है, संतान है, तीन संतान है, और तीनों संतान क्या है, कार्य के चक्कर में अलग अलग जगह रह रही है, तो अलग अलग जगह रहने से पिता अलग नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाग तो क्या आ जाएगा, छह आ जाएगा। अगर अनुच्छेद की अगर यहां बात की जाती है तो यहां इसमें आ जाएगा 152 से 167 भी। यानी अब इसमें से इसके हिस्से कितनी आगे है, ये आगे है। अब अगला बोला व्यवस्थापिका, तो इसका उल्लेख संविधान के भाग किसमें भी, पांच में, भाग इसमें क्या गया, छह में है। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगर बात की जाती है, अब देखिएगा कि इसके हिस्से क्या आया इसमें से, तो जैसे आपने कहा था 152 से 167 है, तो यहां इसका उल्लेख भाग छह में है, और अनुच्छेद की अगर बात की जाती है तो 168 से 213, ठीक है। यानी इसके हिस्से इस संपत्ति में से ये माना ये आ गया है। अब तीसरा अब आपके सामने भी न्यायपालिका, भाग तो इसमें क्या रहेगा, छह, और अनुच्छेद की अगर बात की जाती है तो 213 के बाद में क्या आएगा कि 214 से 237। ये लीजिएगा, ये सरकार के तीनों अंग हो गए, तीनों का क्या काम है और कहां इनका उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगर अपने आगे बात की जाती है, अब सरकार के तीनों अंगों के बारे में, यानी
यहां आपने क्या पढ़ना है, यहां आपने क्या पढ़ना है और यहां आपने क्या पढ़ना है, ये आपको यहां ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपने जो बात करेंगे आज भी किसके बारे में, वो सबसे पहले आज अपने बात करेंगे कि कार्यपालिका में। और अभी आपसे कहा था जो कार्यपालिका है इसका उल्लेख भाग किस में है, छह में है। अनुच्छेद की अगर बात की जाती है तो 152 से 167 है, ये लीजिएगा। यानी जो कार्यपालिका भाग छह आ गया, अनुच्छेद 152 से 167। और के बाद सिंपल सा क्वेश्चन ही आ जाता है, क्या बोला गया कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में अपने यहां भी राज्यपाल, उसके बाद में मुख्यमंत्री, उसके बाद में मंत्री परिषद, और इसमें क्या आ गया भी महाधिवक्ता, ये लीजिएगा। ये राज्य की सरकार में ध्यान रखिएगा, यानी ये राज्य की जो कार्यपालिका है इसमें अपने आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता।